आज पैनल में हमारे साथ साधना मंदोवानी जी, हम इनसे बात करेंगे इस बारे में कि आजकल के बच्चे कैसे कार लेके और उसके डैशबोर्ड की वीडियोस बनाते रहते हैं, और इनके बारे में इनका क्या कहना है। जी साधना जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मेरे ख्याल से काफ़ी ये अटेंशन सीकिंग का एक तरीका है, जिससे दिखाया जाए कि हमारे पास BMW है, हमारे पास मर्सिडीज़ है, पर अगर वो आपकी खुद की कमाई की हो तो आप दिखा भी सकते हैं। अपने बाप के पैसे का दिखाना तो मुझे लगता नहीं कोई अच्छी चीज़ है। और हर कोई आजकल हर कोई यही कर रहा है, रात में जाते हैं तो रात में ट्रैफिक दिखाते हैं, दिन में जाते हैं फिर ट्रैफिक लिखते हैं। हाँ, पता नहीं इसका क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं मतलब आता। ऐसे लगता है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रैफिक देखा है, वो बाहर के विदेश के चोदे हैं वो, और कार का हैंडल ऐसे पकड़ लेते हैं, उस पे डैशबोर्ड की वीडियो डालते रहते हैं। डैशबोर्ड मतलब डैशबोर्ड, ये इस पार्ट को डैशबोर्ड कहते हैं। ओके जी, तो ये काम हमने भी किए थे, लेकिन जैसे हमें समझ में आई हमने काम छोड़ दिया। हमने काफी अच्छा किया है कि आपको एक टाइम पे रियलाइज हुआ कि ये अब अच्छा नहीं चल रहा है, जी जी, तो फिर हमें छोड़ देना चाहिए। और ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, इन्हें किस तरीके से समझाना चाहेंगे? समझाना ही चाहेंगे कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका ध्यान रोड पे होना चाहिए, आगे देखिए, आपको फोन वगैरह पे पब्लिक को नहीं दिखाना है। जी बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें कार चलाते वक्त अपना सारा ध्यान रोड पे रखना चाहिए, ना कि गाड़ी के डैशबोर्ड पर। वीडियो तो आप कहीं बाद में बना सकते हैं, कार खड़ी करके बना सकते हैं, लेकिन ये जो आजकल की जनरेशन कर रही है कि कार चलाते हुए स्नैपचैट पे वीडियो बनाती रहती है, जिससे उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा ना कीजिए और ध्यान रखिए, ड्राइव सेफली। जी जी, हम लौट आए हैं पैनल में साधना मंदोवानी जी के साथ, और इनसे बात करेंगे कि आजकल की जनरेशन कैसे हुक्का बार में जाके और कैमरे के ऊपर हुक्का छोड़ती रहती है, पता नहीं क्या प्रूव करना चाहते हैं, इस बारे में इनसे बात करेंगे। जी देखिए, अगर बात हो रही है स्नैपचैट के बारे में, स्नैपचैट है ही इसलिए कि आप एक तरीके से शो ऑफ करें जी, पर आप शो ऑफ कीजिए कि आपने हुक्का रख लिया है, उसकी फोटो खींच के डाल दीजिए। जी जी, आप हुक्का के अंदर धुआं, कैमरे के अंदर धुआं छोड़ रहे हैं, हुक्के का क्या मतलब है? ऐसे तो फिर हर चीज यही कीजिए, खाने हैं तो खाने में कैमरे में थूकते जाइए फिर आप तो। साधवानी जी, ये बात बिल्कुल सही बोली है आपने कि इसका क्या पर्पज है, हमें भी समझ में नहीं आता कि अगर आप हुक्का पी रहे हैं, हुक्का स्मोक कर रहे हैं तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ये कैमरे पे धुआं छोड़ने की जरूरत क्या है? और यार आप छोड़ रहे तो छोड़िए, लेकिन खाना भी थूके कर कैमरा पे, मुझे नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वैलिड बात किया साधवानी जी ने, हम इनसे बात करेंगे थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद। जी 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 शादाब जी, मैंने तो काफी बोल लिया, अब आप बताइए कि आपका क्या राय है इसके ऊपर? नहीं, मैं आपसे, आपने जो बोला मैं उससे बिल्कुल सहमत करूंगा कि आपने हर एक बात सच बोली है। अगर आप हुक्का पीने जा रहे हैं तो ठीक है, आप पी रहे हैं, दिखाइए उसको, दिखाइए, लेकिन कैमरे पे स्मोक करने का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आता। और रिंग्स बनाते हैं, दिखाते रहते हैं, पता नहीं, ये सब बहुत ही बच्चों वाली हरकतें लगती हैं। अब हम बच्चे नहीं रहे, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं सारे बड़े हैं, सारे 18+ हैं, जी जी, सबको इतनी समझ है। और चलिए साधना मानी जी, आपने आज हमें बहुत ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन दी है, और हम प्रेज करेंगे आपको, और हमारे दर्शक भी आपको पसंद करने लगे हैं, तो थैंक यू सो मच। व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को बताइए, शादाब टीवी को फॉलो कीजिए, शादाब को स्नैपचैट पर ऐड कीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो और फालतू के जिम स्नैप देखेंगे आप। नहीं, जिम स्नैप नहीं डलते हैं साधना मानी जी, तो आप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखेंगे। थैंक यू सो मच साधना मानी जी, हम फिर लौटेंगे एक हफ्ते बाद, और इसी जगह इसी समय इसी पर सब किसी अलग विषय पर बात करेंगे। सतर्क रहे देखते रहिए शादाब टीवी, गुड बाय।